हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, इंटरनल सोर्सेस की डीमेरिट रहती थी, एक तो आज वो करना है। एक बेटा सिलेक्शन प्रोसेस, ये मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कल 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 बेटा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अगर जितना ये टारगेट है मेरा अगर पूरा हो जाता है, और मेरे को पूरी होप है हो जाना चाहिए, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अभी। इंटरनल सोर्सेस की डीमेरिट पढ़नी है। सबसे पहली डीमेरिट है स्कोप फॉर फर्स्ट एजेंट इज रिड्यूस्ड। इधर देखना, मैं इधर वो एग्जांपल हमारा वही पुराना चल रहा है। मैं कहता हूँ बेटा, एक टीचर जो मेरे स्कूल में 9th 10th SST पढ़ा रहा है, उसकी एज आज 45 ईयर्स है, ठीक है जी। मैंने उसका प्रमोशन कर दिया, मैं एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं गया, मैंने उसको प्रमोट करके कह दिया कल से तो 11th 12th इकोनॉमिक्स पढ़ा। बेटा उसने इकोनॉमिक्स पढ़ानी तो शुरू कर दी, लेकिन एक बात बताओ, आपको नहीं लगता अब 15 साल के लिए और एक फ्रेश ब्लड नहीं आ सकता मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसकी एज अभी 45 साल है, 15 साल उसके रिटायरमेंट में और है। बेटा 15 साल के लिए यंग ब्लड नहीं आ सकता, ना यंग ब्लड आएगा ना मॉडर्न आइडियाज आएंगे, क्योंकि जो इंसान 45 साल का है उसके अंदर से मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव तो वैसे ही खत्म हो चुका होता है। वो कोई अपना दिमाग नहीं चलाएगा, कोई मॉडर्न आइडिया आपको देने नहीं वाला, बेटा। फ्रेश टैलेंट तो आ ही नहीं पाया, मॉडर्न आइडियाज भी नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक। बेटा लेथार्जिक का मतलब है लेसी। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखो बेटा, बस हेडिंग एक बच्चा बोल देगा, बाकी सबने मेरी तरफ ही देखना है, थोड़ा स्पीडी खत्म करते हैं। बेटा इंटरनल सोर्सेस की दूसरी डीमेरिट है एम्प्लॉय मे बिकम लेथार्जी। बेटा अगर एम्प्लॉय श्योर है ना कि प्रमोशन उसका ही होने वाला है, बट इट इज टाइम बाउंड, बस समय नहीं पता उसको कि कब होगा प्रमोशन, उसका ही होने वाला है। सर एम्प्लॉय कभी काम करके नहीं देगा आपको, वो लेजी ही बना रहेगा। मैं कहता हूं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर है कि वाइस प्रिंसिपल ही नेक्स्ट प्रिंसिपल बनता है, मान लो यही कल्चर है, फिक्स्ड कल्चर है, ठीक है जी। और आज जो प्रिंसिपल बैठा है उसकी पोस्ट 55 साल है, और जो वाइस प्रिंसिपल बैठा है उसकी पोस्ट 45 साल। उसको पता है इसका 5 साल का करियर है, 5 साल के बाद इसने रिटायर हो जाना है, 5 साल बाद मैंने प्रिंसिपल बनना है। सर 5 के 5 साल लिख कर ले लो, उसने काम नहीं करा। अगर एम्प्लॉय श्योर होगा ना कि मैंने ही प्रमोट होना है, हायरार्की में मैंने ही ऊपर जाना है, बस टाइम बाउंड है ये चीज। बस मुझे ये नहीं पता कि समय कब आएगा, बस समय आएगा लेकिन मेरा। सर फिर वो उस समय तक तो काम करके देगा नहीं। बेटा इस मामले में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेटर है। वो क्या करती है, वो कहती है प्रमोशन इज परफॉर्मेंस बेस्ड, इट इज नॉट टाइम बाउंड, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस क्या हो गई जो प्रमोशन, फिर वहां सब मेहनत करते हैं, वहां लेजी होने का समय किसी के पास नहीं है, चाहे आपकी एज 55 साल है, चाहे आपकी एज कुछ भी है। क्लियर है बेटा बात, समझ में आई है बात। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आज भी यही कल्चर है, वाइस डीन विल बिकम द नेक्स्ट डीन, वाइस प्रिंसिपल बिकम द नेक्स्ट प्रिंसिपल, इसलिए वहां काम भी नहीं होते। चलो चलो आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। बेटा थर्ड हेडिंग होगी नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। बेटा इंटरनल सोर्सेज आर नॉट मेंट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। बेटा नई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्सेस कैसे हो सकते हैं आप खुद समझो। आज पहला दिन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने एक स्कूल बनाया, ठीक है मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मैं इंटरनल सोर्सेस से फिल कर सकता हूँ वैकेंसी, क्या कोई है ट्रांसफर या प्रमोशन करने के लिए, कोई होगा तभी तो ट्रांसफर या प्रमोशन करूंगा। तो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्सेस नहीं है, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है जी। बेटा लास्ट हेडिंग इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। देखो जब हम इंटरनल सोर्सेस में दो मेथड की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं, सर हम जरूर करते हैं ट्रांसफर की बात, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। और ये बात आपको याद भी आएगी, फ्योल का एक प्रिंसिपल हुआ करता है 12th स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। बेटा फ्योल भी कहता है एम्प्लॉय को एक जॉब पर स्टेबिलिटी दो, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके आप। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में बिलीव करते हो ना बेटा, इट रिजल्टेड इनटू वेस्टेड ऑफ एफर्ट्स एंड द मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लो आज एक एम्प्लॉई आया, उसने 50-60 दिन काम किया है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में,
बेचारा 50-60 दिन से सीख ही क्या रहा है कि एक यूनिट बना लू मैं, ठीक वेस्टेज करी जा रहा है करी जा रहा है। आज उसने पहले दिन एक ठीक यूनिट बनाई 60 दिन के बाद। आपने कहा कोई नहीं छोड़, बेकार है डिपार्टमेंट, आ तेरे को मार्केटिंग सिखाते हैं। मार्केटिंग में बेचारा भी मार्केटिंग एथिक्स से सीख रहा था, यही सोच रहा था कि लोगों से बात कैसे की जाती है। दिमाग खराब कर रख रहे होने मेरा। चलो जी बाबू, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की बात कर रहा था, सुन लो बेटा बाबू, 2 महीने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करे। हमने कहा चल चल कोई नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तेरे लिए नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट में आ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कराना शुरू कर दिया। 2 महीने उसने मार्केटिंग में काम करे। हमने कहा छोड़ छोड़ मार्केटिंग, तेरे को अकाउंट्स बनाना सिखाते हैं, अकाउंट्स में आ जा। 2 महीने अकाउंट्स में काम करा, छोड़ छोड़ आ जा फाइनेंस में आ जा। सर अगर आप इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हो ना तो यकीन मानो एम्प्लॉय खराब कर दोगे आप, उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म है। उसने हर डिपार्टमेंट में सर वेस्टेज करना सीखा है, एक भी काम को एक्चुअली नहीं सीख पाया वो। समय खराब 8-10 महीने का, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी खराब, और 8-10 महीने जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सैलरी दी वो मनी खराब, किसी भी चीज की कोई वर्थ नहीं रही। तो बेटा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर सिर्फ लॉसेस में रिजल्ट करते हैं, वेस्टेज ऑफ एफर्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ रही है बेटा बात, क्लियर? तो बाबू इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज अब पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, सभी मेथड मैंने डिस्कस कर दिए इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के, मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर दिए, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे बेटा, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। लोग उत्तर आराम से समझ लेंगे इसको, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को। बेटा मैं आपको पहले याद करा देता हूं ये टॉपिक चल कैसे रहे हैं। स्टाफिंग प्रोसेस याद दिमाग में शायद कुछ कुछ होगा बेटा। सेकंड स्टेप था रिक्रूटमेंट, थर्ड स्टेप था सिलेक्शन, फिफ्थ स्टेप था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने यही कहा था बेटा ये तीनों स्टेप हमें मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने हैं, जब इन्हें मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ लेंगे तो बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिक्रूटमेंट पूरा हो गया बेटा, अब सिलेक्शन पे हमारा डिस्कशन है। लेकिन जब हम स्टाफिंग प्रोसेस में ये स्टेप पढ़ते हैं, आपको कुछ याद करा देता हूं, हम यही बोल रहे होते हैं ना इसको, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव स्टेप बेटा, हमेशा ऐसा देखा गया नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट से। मैं कहता हूं मेरे यहां पर टीचर की पोस्ट की वैकेंसी है, मैंने उस वैकेंसी को एडवर्टाइज करा और 10 लोगों ने कहा कि हम इस जॉब के लिए एलिजिबल है, नो हमारा वर्ड डेटा रख लो। बेटा मेरे को टीचर ही चाहिए, 10 ने कहा। अब बेटा होगा क्या, मैं इनके टेस्ट कंडक्ट करूंगा, मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा और 10 में से 1 को जॉब दूंगा और 9 को रिजेक्ट करके घर भेज दूंगा। तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ज्यादा है नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट से, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। याद आ रही है बेटा बात, ठीक है जी। अब सर हमने पढ़ना है प्रोसेस, प्रोसेस मतलब, प्रोसेस मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बेटा इसी सीक्वेंस में होता है सिलेक्शन, हेडिंग आगे पीछे करने की जरूरत मत करना, सब रहता हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। बाबू सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ये स्टेप क्या बताता है बेटा, ये स्टेप बताता है कि जो इंसान बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरा नहीं कर पाया उसको तुरंत रिजेक्ट कर दो, वो मिसफिट है फॉर द जॉब। मतलब मैं कहता हूं बेटा आपके यहां पर कोई वैकेंसी निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, आपने क्या किया क्लासिफाइड एक बिजनेस न्यूज़पेपर में ऐड दिया, जो एक पेज आता है क्लासिफाइड करके उसमें, और आपने बताया कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने कहा कि आपको एक इंसान चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट को जो कॉमर्स में यानी कि एम कॉम पास हो, प्लस उसको बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर्स की, बेसिक कंप्यूटर चलाना जानता हो, प्लस बेसिक नॉलेज हो किसी ना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, इधर बीजी और टैली और ब्ला 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 जो भी आता हो, ठीक है जी। ये 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो वो आपने ये न्यूज़पेपर में डलवा दिया भाई साहब, अब बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू करा और कई इंसानों ने आपके पास अप्लाई करना शुरू कर दिया।
पर इंडिया में ना बेटा किस्मत अजमाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना बेटा, एक इंसान ऐसा है जो अभी एम कॉम परस्यू ही कर रहा है, फर्स्ट ईयर है उसका अभी एम कॉम का, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसको है, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसको है, सारी नॉलेज बेटा। उसने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए कि किस्मत अजमा लेता हूं, क्या पता इनके पास कोई और डेटा ना आया, कोई और पर्सन ना आया तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे लोग बहुत करते हैं, किस्मत अजमाने वाले बहुत लोग हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, किसी के पास ये दो रिक्वायरमेंट थी, ये नहीं थी, उसने भी अप्लाई कर दिया। किसी के पास ये दो रिक्वायरमेंट थी, अच्छा फिर ये तो होगी होगी, थोड़ा तो कंप्यूटर आता ही होगा, लेकिन हाँ उसका सर्टिफिकेट नहीं था कि उसने बेसिक नॉलेज लिए कंप्यूटर की, पर अप्लाई कर दिया। बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कहता है सबसे पहले ऐसे ही लोगों को रिजेक्ट कर दो जिन्होंने बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरा नहीं किया। तो आप क्या करते हो, मान लो आपके पास 20 रिज्यूमे आ गए हैं, सबसे पहले यही छाट लो किसका बेसिक क्राइटेरिया ही पूरा नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया पूरा नहीं है बाबू, अगला स्टेप इनसे परफॉर्म ही नहीं होगा, इन्हें तो पहले साइड करो। समझ में आ रही है बेटा बात? मैं कहूं बेटा आपने टीचर की पोस्ट वैकेंट हुई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उसको एडवर्टाइज किया, बेसिक रिक्वायरमेंट बीएड तो चाहिए चाहिए हमें, इंसान जो बीएड नहीं है पहले उसको तो साइड ही कर दो ना, सीबीएसई में जा ही नहीं सकता उसका नाम जो बीएड नहीं है, सीबीएसई एक्सेप्ट ही नहीं करता एज अ टीचर उनको, सबसे पहले उन्हीं को साइड करो। समझ में आया बेटा सिलेक्शन कैसे हो रहा है? सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ो, मैं कहता हूं बेटा 20 अकाउंटेंट ने अप्लाई करा पर 5 मिसफिट निकले क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब पूरा नहीं कर पाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 15 लोगों के साथ परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। बेटा आपको बता देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में सिलेक्शन टेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं, 15, 16 भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट, अगर पोस्ट तगड़ी है तो 15-16 टेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 5 है, सबसे सहूलियत की बात, तो आपको 5 पे ही चर्चा कर आपके लिए बड़ी आसान, ठीक है जी। तो बेटा पढ़ते हैं ये 5 टेस्ट क्या है। सबसे पहले बेटा सेकंड हेडिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, और बेटा फोर्थ हेडिंग, हेडिंग का नाम है ट्रेड टेस्ट। बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है आपकी कैपेबिलिटी को कि आप कितनी जल्दी नए स्किल्स को सीखते हो, ठीक है ना। और बेटा अगर सच में किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है तो बेटा उसके फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा तगड़े हैं। मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूं एप्टीट्यूड मेरी नजर में क्या है, तो बेटा इंसान की ग्रेस्पिंग पावर, और वो सबकी अलग अलग होती है, देखो सच्ची बात ही, ठीक है ना। आप देखते हो बेटा आपके पड़ोस में आपके दोस्त यारी में ही कोई ऐसा एक इंसान होता है जिसको एक बार कोई चीज बता दो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इतना खतरनाक है वो 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद भी बता देगा ये ऐसे था, ठीक है ना। और एक इंसान ऐसा है उस गधे को कितनी बार भी बता दो सही नहीं चीज बता दो, ठीक है वो 10 मिनट बाद भी नहीं बता पाता। तो बेटा वो इंसान जिसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, जो एक बार उसकी ग्रेस्पिंग पावर इतनी खतरनाक, उसे एक बार बता दो, दोबारा कभी नहीं बताना, बस सर यकीन मानो वो फ्यूचर में ऐसी जगह पहुंचने वाला है आपने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा हो। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, अगर एप्टीट्यूड अच्छा है तो सर फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस बहुत ब्राइट है आपके, ठीक है जी। समझ में आती है बात? अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेजर करती होगी एप्टीट्यूड? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो आप, आपने इंसान को कंप्यूटर पे बिठा कि बैठो जी, 10-15 लोग आए हैं, 15 के 15 लोगों को कंप्यूटर पे बिठाया, बताया कि ये हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आए हो, आपने कभी ना कभी टैली चलाया, कभी ना कभी ये सॉफ्टवेयर चलाया वो चलाया, हमारा एक अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फंक्शन, 10 फंक्शन बताए, 15 मिनट के लिए बाहर भेजा, 15 मिनट के बाद बुलाया, पूछने शुरू कर दिया क्या क्या बताया था, अभी पता लग जाएगा एप्टीट्यूड किसका कितना बढ़िया है। समझ में आई बेटा बात? तो एप्टीट्यूड क्या बताता है? आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ न्यू स्किल्स, ठीक है। तो बेटा ट्रेड टेस्ट क्या बताता है, जो मैंने भी फोर्थ नंबर में इसका नाम बताया, बेटा वो मेजर करता है कि आप, वो मेजर करता है आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को, जहां एप्टीट्यूड मेजर करता है आपकी कैपेबिलिटी टू लर्न द न्यू स्किल्स, ये मेजर करेगा बेटा आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को। बेटा एग्जिस्टिंग स्किल्स ये क्या चीज हुई? बेटा ये एग्जिस्टिंग स्किल्स वही है जो आपने रिज्यूमे में लिख के दिए हैं,
आपने रिज्यूमे में लिख के दिया यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लिख कर दिया ना, आज जी बैठो कंप्यूटर में, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलो, अच्छा चलो ये फंक्शन एक बार जरा लगा कर तो बताओ। तो बेटा मैजर हो जाएगा भी, कितने आए तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग स्किल्स, आपने बताया ना कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, चेक कर दिया ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट लाना ये कौन सा बड़ा मुद्दा हो, सर्टिफिकेट लाना तो इंडिया में कोई मुद्दा नहीं है यार, जे में नोट होने चाहिए, अभी देखो सर्टिफिकेट डिग्री सब आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बेटा? तो दोनों टेस्ट क्लियर कर पाया मैं, एप्टीट्यूड भी मैंने क्लियर कर दिया, ट्रेड टेस्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। बेटा थर्ड टेस्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट एक ही चीज होती है, अब हर एक की पर्सनैलिटी में कुछ यूनिक फीचर, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 700 के 700 करोड़ लोग बिल्कुल अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है ना, किसी को बहुत बोलना पसंद है, किसी को बहुत कम बोलना पसंद है, ऐसा है बाबू, किसी को बहुत घूमना पसंद है, किसी को बिल्कुल घूमना पसंद नहीं है, कोई बहुत मैच्योर्ड बातें करता है, अपनी एज से बड़ी बातें करता है, आप देखते होंगे कईयों को कहते होंगे आप भी यार तेरी एज का बच्चा है तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और कई बहुत बड़े हैं बस हाइट से ही बढ़ गए हैं, ठीक है ना, दिमाग तो घुटनों में ही है, बातें ही ऐसे करते लोग, तो बाबू सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, सबने अपनी तरफ झांकना शुरू कर दिया, मैं जैसे ही बातें कर रहा भाई साहब, ठीक है, तो सर सबकी पर्सनैलिटी में एक यूनिक फीचर है बेटा, लेकिन एक बात सुनो, पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत अच्छे से डिसाइड करता है कि आप जॉब के लिए कैपेबल हो के लिए, आप मानोगे नहीं पर हाँ ऐसा होता है, मैंने पिछली बार तो बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया था, मैंने आधा पौना घंटा इस पर डिस्कशन किया था, पर इस बार इतना नहीं, मैं एक दो बातें बोलूंगा और पैक कर दूंगा। बेटा एक बात बताओ, अगर किसी को बोलना ही पसंद नहीं है क्या वो टीचर बन सकता है, बताओ मेरे को, बन सकता है? पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो किसी इंसान को, वो टीचर बन सकता है? नहीं बन सकता ना। और एक इंसान गए सेल्समैन की पोस्ट के लिए आया और क्या मेरे को बिल्कुल घूमना पसंद नहीं है, सेल्समैन बन सकता है जिसको घूमना पसंद नहीं है, मतलब आपकी जॉब मार्केटिंग में हो और आपको नहीं मुझे घूमना पसंद नहीं है पर मैं मार्केटिंग में जॉब करना चाहता हूँ, क्या आप एलिजिबल हो सच में जॉब के लिए? तो पर्सनैलिटी टेस्ट ये काम करता है, समझ में आई बात, ठीक है ना। हाँ एक पर्सन कहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और उसको बोलना पसंद नहीं है, सर मिनट से पहले रख लेना, मैंने पिछली बार भी बताई थी ये बात, सर सीए कम बोलता हुआ हो चुपचाप रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे पर्दे संभाल के रखे तो वही ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी बात ओके। तीन बातें मैंने समझाने की कोशिश करी, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है जी। बेटा लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट, उसके बाद फर्स्ट वन रहता है, फर्स्ट वन का भी डिस्कशन करूंगा। बेटा इंटरेस्ट टेस्ट ये क्या बताता है? बेटा इंटरेस्ट टेस्ट बताने की कोशिश करता है आपकी लाइकिंग, वो हो सकता है बेटा जॉब के लिए भी हो सकता है, वो हो सकता है बेटा लोकेशन के लिए भी हो सकता है। मान लो बेटा एक इंसान ऐसा है जिसने MBA किया है, दो फील्ड में किया है, मार्केटिंग में भी और HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकता है, वो मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकता है, दोनों में MBA किया उसने और बढ़िया इंस्टीट्यूट से किया। और मान लो बेटा वो एक इंसान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है जहां पर दोनों ही पोस्ट वैकेंट है, HRM की भी और मार्केटिंग मैनेजर की भी। तो बेटा कई बार ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुद जानना चाहती है आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है ओवर द टू जॉब्स, ठीक है ना सर। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ी बात ऑब्वियस सी है, हर चीज के लिए हमारी लाइकिंग बराबर कभी नहीं हो सकती, पांच सब्जेक्ट है बराबर है क्या आपके लिए? कहीं ना कहीं एक के लिए लाइकिंग कुछ ज्यादा होती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को अकाउंट्स, किसी को इको, सबको इंग्लिश, ठीक है ना। तो बाबू कोई डिपेंड करता है बेटा, तो बाबू इंटरेस्ट टेस्ट आपकी लाइकिंग जानने के काम आता है, समझ में आ रही बेटा। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है आप HRM को प्रेफरेंस ज्यादा दोगे या मार्केटिंग मैनेजर बनने को, भाई जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसी में आप परफॉर्म कर पाओगे। घर वाले जबरदस्ती कहते नहीं भाई तो कॉमर्स साइड ले तो साइंस साइड ले, सर परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना,
अगर ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्ती कुछ भी बनाकर बिठा दिया तो सर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, जहां मन करता है इंसान परफॉर्म भी वहीं करता है। समझ में आ रहा बेटा इंटरेस्ट रेट का रोल क्या है? ऐसा हो सकता है, चलो अब एक और एग्जांपल भी सुनो बेटा, ऐसा हो सकता है कि हाँ आपने एमबीए किया है सिर्फ इन मार्केटिंग, सो मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो आप, आए ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर बनने हैं, लेकिन उन्होंने बोला हमारे पास दोनों लोकेशन के लिए मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट वैकेंट है, हमारे पास इंडिया में हमारा एक ऑफिस है वहां तो है ही है, हमारे पास दुबई में भी एक ऑफिस है वहां पर भी पोस्ट वैकेंट है, आप बताओ आपकी लाइकिंग क्या है, आप कहां जाना चाहते हो? तो बेटा इंटरेस्ट टेस्ट या तो आपकी लाइकिंग जानना चाहता है, दो जॉब में से एक प्रेफरेंस आपकी या दो लोकेशन में से एक प्रेफरेंस, क्लियर है बेटा इंटरेस्ट टेस्ट? ऑल ओके, चारों टेस्ट समझ में आए बेटा। लास्ट वन आप सबका फेवरेट, इंटेलिजेंस टेस्ट बेटा। हाँ बस कुछ ना अगले तो ये तो कह ही दो बेटा, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है आपका आईक्यू लेवल। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसका मतलब समझ लो, खाली आईक्यू बोलने से काम नहीं चलता बेटा। इंटेलिजेंस क्वेश्चन मेजर करके क्या बताता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि आपकी प्रैक्टिकल एज कितनी है। देखो हम सबकी थियोरेटिकल एज है, कोई 17 का है, कोई 18 का है, कोई बहुत छोटा बच्चा भी है, ठीक है ना, सबकी एक थियोरेटिकल एज है, ठीक है जी। ओ लेकिन सबकी एक प्रैक्टिकल एज भी है। प्रैक्टिकल एज क्या होती है बेटा? वही आईक्यू होता है कि हम किस एज के बराबर जजमेंट लेते हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितना अच्छे से हैंडल करते हैं वर्क प्रेशर, सर ये सब निकालता है आईक्यू। और जिस इंसान का आईक्यू तगड़ा है वो तो भी इंसान तगड़ा ही है, लेकिन यकीन मानना जितने भी हम यहाँ बैठे हुए इंक्लूडिंग मी, हमारी थ्योरेटिकल एज हमेशा ज्यादा होती है हमारी प्रैक्टिकल एज से, हम नहीं है इतने इंटेलिजेंट की कैटेगरी में, ठीक है ना, हम न्यूटन आइंस्टाइन ऐसे लोगों में से भी है। समझ में आएंगे था आईक्यू बताता क्या, ठीक है, एबिलिटी ऑफ जजमेंट। पांच बातें मैंने क्लियर कर दी, टेस्ट कंडक्ट हो गए, चलो जी। अब मैं बोलता हूँ बेटा हमने 15 लोगों के साथ टेस्ट परफॉर्म करे, एग्जांपल वही चलता जा रहा है बेटा, टेस्ट परफॉर्म करे 15 में से यहां पर 8 रिजेक्ट हो गए, जो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए 7 लोगों के साथ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर, 20 लोगों से शुरुआत हुई थी, 5 लोग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में चले गए, 8 लोग सिलेक्शन टेस्ट में खत्म। नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बेटा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का बस एक बड़ा सिंपल सा मतलब है फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, और ये मैंने कल परसों की बात लेक्चर में भी बोल दी थी बात। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता किसी को लताड़ के ही बेचना है भाई, किसी को डांट के किसी की बेइज्जती करके बेचना है, ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब सिर्फ एक है बेटा, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, और वहां बेटा क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं होता। ये मत कहना कि मेरा वो इंटरव्यू चल रहा है, इस पोस्ट के लिए क्वेश्चन आ रही है बेटा। बेसिक पर्पस इंटरव्यू का है सिर्फ ये आपका कॉन्फिडेंस जज करना, या अगर जॉब ऐसा डिमांड करती है तो कई बार आपकी पेशेंस भी चेक करना। डिपेंड जॉब के ऊपर भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना कि जॉब किस नेचर की है। जॉब ही बेटा करोगे कॉल सेंटर में और हो भी इंपेशेंट तो बेटा वहां तो पेशेंस ही चेक करेंगे आपकी। कई बार तो भाई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जहां अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर देता है इंटरव्यूअर, तो ये जानने के लिए कि आप कितने कितने पेशेंट हो, क्योंकि जॉब की डिमांड ऐसी होती है, और जहां आपने पेशेंस कोई बस वही हो जाता है पता उसको कि बस आप तो एलिजिबल हो ही नहीं जॉब के लिए, ठीक है ना। पता है ना यार कॉल सेंटर में कितनी स्ट्रगल है यार, क्या क्या कर देता है कस्टमर, आप अपने एंगल से सोचो, आप क्या क्या कर देते हो कस्टमर केयर पे फोन करके, सब कुछ तो सुना मारते हो उसको बेचारे को, बेचारे सर मैडम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सर ये जॉब की डिमांड होती है, ठीक है। वैसे मैंने इंटरव्यू के ऊपर मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है, मैंने पिछली बार भी बहुत कुछ बताया था आपको, ठीक है ना सर। लेकिन बेसिक पर्पस सिर्फ एक है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना। क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं बेटा जो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, मां तो नाम के ऊपर लड़ाई करते हैं वो,
आपका नाम क्या, मेरा नाम ये, मतलब क्या है, इस चीज के ऊपर ही आधा घंटा खत्म कर देंगे। किसने रखा था नाम, क्यों रखा था, जान के परेशान, सिर्फ ये देखना कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का, आप अपनी बात तक कितने जल्दी देर तक खेलते नहीं हो। हमारे टाइम में क्वेश्चन कुछ और अजीब भी होते थे, आपके टाइम में वो लेवल बढ़ता चला गया। हमारे टाइम में क्वेश्चन पूछते थे कैसे ट्रेवल करके आए ऑफिस तक, आपने कह दिया ट्रेन से या बस से। अच्छा सीट नंबर क्या था, अरे उसने चेक नहीं करना जाके, लोग इतने नहीं होपलेस हो जाते हैं तो उन्हें पता लग जाता है इसका कॉन्फिडेंस कुछ है। अरे कुछ भी बोल, झूठ ही तो बोलना है, झूठ बोलो लेकिन सफाई के साथ बोलो और खड़े रहो, कॉन्फिडेंस दिखाओ उसे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं किसी सिचुएशन में कि हमारी कंपनी ना लॉसेस में चल रही है, आपके कुछ सजेशन कि आप प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट कर दो, और लोग मोहशोर बनने लगते हैं, सर ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, खड़ा हो तो बाहर निकल, हमें सिखा रहा तू, जान के पूछते हैं हमें सिखा रहा है, मतलब हम तेरे से बड़े बड़े MBA, तेरे से बड़े बड़े CA, तेरे से बड़े बड़े इंजीनियर लेकर बैठे हुए हैं, हम बेवकूफ हैं तो हमें सजेशन देने बैठ गया, चल बाहर निकल, वो जान कैसा करते हैं, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं आप ओवर स्मार्ट भी तो नहीं बन रहे ना। इस केस में हमेशा पॉसिबल आंसर ये होता है, सर मैं तो अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं आऊंगा 6 महीना 3 महीना कुछ तो देखूंगा, उसके बाद ही तो मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। लोग सजेस्ट करने लगते हैं ये कर देते हैं सर आप, तो बहुत कुछ है सर इंटरव्यू में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है जी, लेकिन मतलब घूम फिर के सर ठीक है बेटा, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, फॉर्मली किसी भी मुद्दे को उठा लो, बस उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करना, ठीक है जी, बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। और मैं कहता हूँ चलो इंटरव्यू में भी 3 लोग बाहर हो गए, अब बेटा 4 लोग रेस में हैं और सिलेक्शन सिर्फ 1 का होना है, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट स्टेप इज रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, बहुत काम की चीज बेटा। आपने ना अपने बायोडाटा में, रिज्यूमे में ना बहुत सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं, अब बेटा ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है किस रेफरेंस को चेक करा है। रेफरेंसेस क्या होते हैं बेटा, जैसे आपने बताया कि आपने ये डिग्री यहां से करी, आपने 10th क्लास CBSE बोर्ड से करी, इतने परसेंट मार्क्स स्कोर करे, 12th यहां से करी, CBSE से करी, इतने परसेंट मार्क्स स्कोर किए, ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से करी, इस कॉलेज से करी, इतने परसेंट सिक्योर किए, पोस्ट ग्रेजुएट यहां से हुए, रेफरेंस दी, या प्रीवियस जॉब की रेफरेंस हो सकती है, किससे पहले मैं यहां जॉब करता था, इतने साल करा, इतना एक्सपीरियंस है, सर आप ये सब बातें लिखते हो। लेकिन बेटा बहुत हद तक ऐसा देखा गया कि रेफरेंसेस झूठी होती है, झूठी, यूनिवर्सिटी वो नहीं होती, फर्जी सर्टिफिकेट होते हैं, परसेंटेज वो नहीं होती, परसेंटेज में एडजस्टमेंट कराई होती है, ठीक है ना, 1 साल घर पर बैठे थे, लिख दिया एक्सपीरियंस है, फला फला ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक टाइम मेरे कजन ने ऐसा किया था, उसको 1 साल तक जॉब नहीं मिली इंजीनियर बनने के बाद, उसने क्या करा, लिख दिया मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, खाली बैठा पूरे साल, 1 साल का एक्सपीरियंस है, फला फला कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लगभग सिलेक्शन हो गया, तय पेपर बन रहे थे, मैंने कहा अच्छा एक बार कंपनी का नाम बताओ आपने जॉब किया, लिख दिया ऐसे कोई कंपनी का नाम, अच्छा प्लॉट नंबर या कुछ SCO, मैं बता दिया नोएडा में से जगह लोकेटेड है, जब रेफरेंस चेक हुई वो प्लॉट ही था खाली, कुछ था ही नहीं उस जगह पर। तो सर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक देखा गया बहुत हद तक झूठ निकल जाता है, और अगर वो निकल गया तो यहां पे भी 1-2 बंदे साफ हो जाएंगे, क्लियर है बेटा बात, समझ में आ रहा है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्या है। अब बेटा मैं बोलता हूँ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में भी एक इंसान की रेफरेंस गलत निकल गई, अब 3 लोग आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा 3 लोगों के साथ बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या, सिलेक्शन डिसीजन, देखो बेटा कहते हैं जिस इंसान ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का स्टेप क्लियर किया, सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्लियर करे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर किया, रेफरेंसेस सही निकली, अब हम उसको सेलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो नोट्स का कहना यह है, NCERT का कहना यह है कि 1 पर्सन का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है, पर मैं आपको बता देता हूं बेटा सिलेक्शन डिसीजन जनरली 1-2 पर्सन ज्यादा के लिए लिया जाता है, यानी कि अगर मेरे को 1 पर्सन को सिलेक्ट करना है ना तो सच में मैं सिलेक्शन डिसीजन 2 या 3 लोगों के लिए लूंगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों,
क्योंकि बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो डिमांड करता है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो नेक्स्ट स्टेप नोट्स में अगर आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप इज मेडिकल एग्जामिनेशन। ये कहेगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला कर दो। बेटा बड़े सिंपल सी कहानी बता देता हूं मैं, अगर आप एक ही पर्सन को सेलेक्ट करोगे और उन दोनों को कह दोगे यदि आपको भी रिजेक्ट कर दिया गया आप भी घर चले जाओ, सब रिजेक्शन हो गया, सब घर पहुंच गए 19 लोग, एक को ही सेलेक्ट करा। अब उसे कहा कि कल जाके ना मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट ला के देना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ऑल्दो इंडिया में ये फॉर्मेलिटी है, जाओ किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, जेब गरम करो किसी भी ठीक ठाक डॉक्टर की, अभी आ जाएगा मेडिकली फिट, ठीक है ना। लेकिन हाँ फिर भी मान लो बेटा आपने ईमानदारी से चले और बेटा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकली फिट नहीं बताता, अब ऑर्गेनाइजेशन का एंगल सोचो उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। उसने सिलेक्शन डिसीजन एक पर्सन के लिए लिया, कल जब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आया मेडिकली फिट नहीं निकले उस जॉब के लिए। मान लो वो जॉब ऐसी थी जिसमें बहुत बोझ उठाना था और आप हार्ट पेशेंट निकल आए, खत्म हो गई कहानी। अब वो क्या करे, दोबारा वैकेंसी का एड डाले। तो सर पहली बात यह है ना कि सिलेक्शन डिसीजन ही दो तीन लोगों के लिए, ज्यादा के लिए लो ना। अगर एक मेडिकली फिट नहीं आया दूसरे को तो कह सकते हो कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, आज उसे मना कर दोगे तो ये रिजेक्ट कर दिया, खत्म हो गई वही कहानी। समझ में आ रही है बेटा बात? और बाबू मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आज की तारीख में हर जॉब के लिए जरूरी है। कोई पूछता है क्यों? सर देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में मर जाओ। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि ब्लेम कोई अपने सर नहीं लेना चाहता। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती होगी कि ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस के अंदर आपकी डेथ हो जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्हें तो सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए, हर हाल में चाहिए। अरे ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई, स्कूल में नर्सरी क्लास में एडमिशन कराने जाओ हर स्कूल को चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये तो मैं बहुत बड़ा लेवल बता रहा हूँ। स्कूल करता है आज की तारीख में एडमिशन? कोई स्कूल नहीं करता। उनको चाहिए आप मेडिकली फिट हो। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है सारी बात? क्लियर, आगे बढ़ जाओ बेटा। लास्ट की दो हेडिंग बचती हैं, कल करा दूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय।